मैंने इससे पहले मना कर दी, मैं शादी नहीं करूंगा। अभी ले लेगी बीबी का, कोई ना जगह नहीं मिल सकती इसे। क्या बुरा कर दिया, क्या मुझे पत्नी का सुख नहीं मिलेगा क्या? तो बनेगी जब ना, जब घर पे तेरे आई है तो किसी और के पास जाएगी प्रेग्नेंट होने के लिए। साला रात को पहुंच जाता है उसके साथ बिस्तर गरम करने के लिए। इंसान का बच्चा बन जा, बता रहा हूँ तेरे को, दो मिनट में उससे मतलब। अरे तो आप बताओ मेरे को क्यों बुलाया आप दोनों ने? आप दोनों रो रहे हो, मेरे को आप बुला रहे हो यहाँ पे, मैं क्या करूँ बताओ? जब तक आप दोनों बोलोगे नहीं, वीडियो स्टार्ट नहीं होगी। मैं आपको इतनी देर से समझाता अंकल थक गया हूँ, आपको बहन थक गया हूँ। भैया क्या करें, मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही होगी, मैं तो कहीं भी जाने के लायक नहीं रही। बहन वो तो मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, मेरे को तो बता के हुआ क्या है, क्या हो रहा है एक बारी मुझे तो बता दे, मेरे को क्यों बुलाया यहाँ पे अंकल? ना आप बता रहे हो ना ये बता रही है, दोनों में से कोई तो बता। झगड़े होते रहते, कब तक होंगे? किस बात के झगड़े होते हैं, क्या बात हुई? एक बारी बात तो बताओ, क्या दिक्कत हो रही है? बताओ इनको जो बात है, एक बारी बताओ कि जब भी देखो वीडियो चल रही है इतनी देर से आप बता नहीं रहे हो यार। पति मुझे खुद पति का सुख नहीं मिला, लेकिन हाँ जो मेरी जिम्मेवारी वो तो मैं अपनी निभाती हूँ अच्छे से। मैं पापा जी की वजह से इस घर में, वरना मैं इस घर में नहीं रहती, मेरा खुद घुट घुट के जीती हूँ मैं। ये तो बेचारी सारा काम करती है घर का, कपड़े। कितना टाइम हो गया अंकल शादी को? कितना टाइम हो गए बेटे? 3 साल। 3 साल? हाँ। कोई बच्चा वगैरह है? बच्चा ये अपने कमरे में चली जाती है रात को। हाँ। वो अपने कमरे में चला जाता है। अच्छा। इसके पास सोफे पे सो जाएगा, कभी कहीं सो जाएगा। अच्छा। और इससे तो बात ही नहीं करता वो। कमरे में भी जाती है तो भी गुस्सा करने लग जाते हैं। क्यों ऐसे करता है वो? किसी और से बात करते हैं। शादी के बाद किसी और से बातें करता है? आपको टाइम नहीं देता? बिल्कुल भी नहीं, 3 साल हो गए, मैं कितना बर्दाश्त करूंगी। कि मैं इसको ब्याह के लाया अपने घर में, अब देखो मैं, मेरी वजह से इसकी जिंदगी खराब हो गई बेचारी। बहन देख अब ऐसे ना रोएगी, रोने से ना कुछ भी नहीं होना। देख देख तो कैमरा लगा रखा हमने वहाँ पे, देख मैं कैमरा तो बीच में फंस गई ना, तो मैं इधर की ना उधर की, पापा जी को भी छोड़ के नहीं जा सकती और वो भी मुझे नहीं रखना चाहते, तो मैं कहाँ क्या करूँ, मर जाऊँ क्या? बेटे तू चिंता मत कर, जब तक मैं देख ऐसे रोएगी ना, जब तक तू रोती रहेगी ना तब तक ना तो मुझे पता लगेगा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, ना तो ऑडियंस को पता लगेगा तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरे पापा को ही पता है। मैं आपको बता देता हूँ भाई, मोटी मोटी बात क्या है कि इसका नाम अंजलि है और इनका नाम ओम प्रकाश है, और इनके बेटे के साथ भाई इसकी शादी हुई है 3 साल पहले। इनका बोलना ये है कि शादी के बाद कभी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो टाइम स्पेंड होता है, जो प्यार होता है ना, वो कभी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि शादी के बाद भी इनका हस्बैंड जो है ना किसी और लड़की के साथ बातें करता है, उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और रात को जो है घर पे आता है, और ना तो मतलब इसका कमरा ही अलग कर रखा है, और इसकी बातें करते, खाना दे दो, कपड़े धो दो, जो काम मतलब जो नौकरानी के साथ का बातें होती है वो नौकरानी वाली बातें करनी, खाना खवाना खा के इसको कमरे में भेज के खुद बाहर कहीं पे भी सोफे वगैरह पे सो जाना मतलब। और इसकी दूसरी परेशानी बता देता हूँ आपको कि जब इसकी शादी हुई थी 3 साल पहले तो इसकी मम्मी थी, अब मम्मी भी नहीं है, और इसके 2 भाई हैं, और उनके दोनों भाइयों को ये तक नहीं पता कि मेरी बहन जिंदा भी है या फिर मर गई है, क्योंकि वो कभी इसको पूछते ही नहीं है कि मतलब इसके जो भाई है ना दोनों, वो चाहते ही नहीं थे कि कभी ये पैदा हो। तो ये तो चलो उसके माँ बाप ने इसको बड़ा करके इसकी शादी कर दी, अब ये बेचारी यूँ परेशान है, अगर मैं ये घर छोड़ के जाऊँगी तो मैं जाऊँगी कहाँ, मतलब कोई है ही नहीं रखने वाला, मतलब इनके अलावा कोई नहीं है, लेकिन ये इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये परेशान है, मेरा दिल बड़ा दुखता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरे से लड़ता झगड़ता है, 2 महीने से कोई इतनी कलेश हो रही है कि हम लोग खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे। इनकी भी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे किसी और को सौंप सकती हूं इनकी जिम्मेदारी? तो आपका पति नहीं समझ रहा? नहीं वो नहीं समझते, तो मैं क्या करूं? तो आप उससे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? डिवोर्स ले लूं तो इनको कौन देखेगा? तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते? बेटे को समझाता हूँ, मुझे तो अड़ोसी पड़ोसी आके बताते हैं कि तेरा लड़का किसी लड़की के साथ घूम रहा था, जिनके घर में बहू है, तो फिर वो ऐसे क्यों घूमता है? मैं तो ये तो आपका काम है, आप उसके बाप हो, मैं तो उसका बाप लगता नहीं हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुला रखा है, बाप तो आप हो ना उसके, आप समझाओ बेटे। जब कल के दिन मैं यहाँ पे पता है क्यों आया हूँ, ना आपके लिए आया हूँ, मैं आया हूँ यहाँ के लिए अंजलि के लिए। कल के दिन इसको मार दे, कुछ भी करे, अपने पास एक प्रूफ तो हो वीडियो में कि कल के दिन भगवान ना करे इसके साथ कुछ भी होता है, अपने पास एक प्रूफ तो हो कि हाँ भाई इसके साथ ये ज्यादतियाँ होती थी। बेटा बराबर का हो जाता है तो बेटे क्या करे, उस पर हाथ उठाऊं क्या करूं, मेरा मरना है तो उसको समझाओ ना अंकल, आप नहीं समझाओगे तो पड़ोसी आके समझाएगा क्या उसको? बेटे मैं बहुत समझाता हूँ, मेरी मानता ही नहीं है, तो मेरे लिए लड़ते भी हैं लेकिन नहीं सुधर रहे हो।
वो नहीं मानता, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें। उसने तो नाक में दम कर रखा है, मेरा भी और इसका। तो उसको बुला के यहाँ पे एक बार एक बारी वाला काम करो आप, एक मेरा मैं ना हाथ जोड़ रहा हूँ दोनों के सामने, आपके सामने और आपके सामने, उसके साथ ऐसी बातें करो जो हमारे कैमरे में प्रूफ के तौर पे रिकॉर्ड हो। कल के दिन अगर आप उसकी पुलिस कंप्लेन भी करते हो ना, तो ये वीडियो उसको दिखाएं तो वो झूठा साबित हो। उसका ना जो भी बार अफेयर चल रहे हैं ये वो सारी चीज़ें उसके मुंह से निकलवाओ, जैसे अपने पास रिकॉर्ड में पड़े हों। कल के दिन अगर आपके साथ वो कुछ भी करता है, आपको मारता है, पीटता है, घर से निकाल देता है, कुछ भी करता है अंकल, तो इसकी गलती ना निकले, आपके बेटे की गलती निकले। आपका बेटा होगा बाद में, लेकिन ये आपकी कितनी इज्जत कर रही है ना, मेरे को सिर्फ बैठे हुए 2 घंटे में पता लग गया। तो मेरी तो ये इज्जत करेगी बेचारी, मैंने इससे शादी करके। तो बेटे आप पहली इज्जत तो आपका बेटा करे ना, वो क्यों नहीं कर रहा आपकी इज्जत? नहीं कर रहा वो उस लड़की के। आपको जो मैंने बोला है वहाँ लगा हुआ है कैमरा, आपको उसके साथ ऐसी बातें करनी है जो हमारे पास एक प्रूफ में आए हो, उसको न्याय मिल जाए। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं करा अंकल तो फिर आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसको आप फोन करके यहाँ पे बुलाओ। ठीक है, और सारी बातें होंगी कैमरे के सामने। ठीक है भाई, वीडियो को देखना एंड तक, जब तक इसका पति आता नहीं है जब तक आपको, मतलब पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, और इसके साथ सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, ना कि मुझे डिसाइड करनी है। तो उसके आने का वेट करते हैं, बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ, क्यों फोन करा है आपसे बात? पार्क में भी रोना धोना, यहाँ भी रो के दिखा रही है। आराम से बात कर ले, आराम से बात कर ले। आराम से के बाद क्यों मारी बुलाया तूने? अरे क्यों गुस्सा कर रहा है, क्या क्या हो गया ऐसा बुला लिया? वो क्या गया, काम धंधा ना आएगा मेरे को इसके फोन पर, अर्जेंट क्या काम है तुझे अर्जेंट? हमारे झगड़े कब तक चलते रहेंगे बताइए यार? फिर वही बात है, झगड़ा तेरी बात तो जवाब भी देता रहूंगे मैं। नहीं अर्जेंट काम है, क्या अर्जेंट काम है तुझे? 2 महीने हो गए ना ये ढंग से रोटी खा रही है, ना मैं खा रहा हूँ ऐसे आप कब तक? मैंने मना कर रखा, मुँह पकड़ रखा मैंने, एक बार तुम्हारा या तेरा मुँह पकड़ रखा गया मैंने, खाने से मना कर रखी है। एक बार बता, वो लड़की कमा के देता ना हूं, कमा के देता ना हूं नहीं, वो लड़की के साथ घूमना जरूरी है, तू जाता है। एक बात होता, आपकी 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 जिंदगी है, ठीक है, मेरी तरफ खुद मेरी जगह रख के देखो। मैंने शादी से पहले मना करी थी, मुझे शादी नहीं करनी इससे, करी थी ना, करी थी। क्या कसूर है? थोड़ा कही थी कि मैं दूसरी लड़की से बीवी की जगह ना, मैंने इससे पहले मना करी थी, मैं शादी नहीं करूंगा। हां मैं तुमसे पहले मना करी थी, मना करी थी, करी थी ना। माँ बाप सब शादी करते हैं औलाद की, तो मैंने मना करी थी ना, मैं इसके नहीं दे सकता, इससे शादी नहीं करनी मुझे। अभी ले लेगी बीबी का, कोई ना जगह नहीं मिल सकती इसे। अच्छा रुआ रही है ना, आपकी वजह जिंदगी खराब हो रही है ना इसकी, मेरी वजह से हो रही है, ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ। आई समझ, मैंने पहले ही मना करी थी मुझे इसके साथ शादी करनी ना। समझ जा, समझ जा, उसको लड़की को छोड़ दे। समझ जा, क्यों छोड़ दूँ उसे? क्यों अभी आप इतना बोल के दिखा रहे हैं, मंडप में भी तो इतना बोल सकते थे, शादी के टाइम भी तो बोलो, उसी टाइम रुक जाती है शादी, अगर आप नहीं बोलते। मैंने तुमसे मना करी थी, तुमने बार बार डंडा दे के ये है वो शादी करवाई है। मैंने लिए थे कि तेने लिए थे? मैंने लिए थे। तो फिर क्या बुरा कर दिया? मैंने इसीलिए लिया था, जैसे चल रहा है ना वैसे चलता रहेगा। ऐसे कैसे चलता रहेगा? क्या बुरा कर दिया बताओ, क्या बुरा कर दिया? क्या मुझे पत्नी का सुख नहीं मिलेगा क्या? अरे मोहल्ले वालों के उसमें तो ये जवाब ही देता फिर मैं। और क्या वो क्या बुला रखा है वैसे? पहला पड़ोसी, फिर कुछ कभी कुछ, मतलब बुलाते रहो क्या? ओ भाई मेरे अखबार में छपवा दो ने, ओ भाई मेरे दोस्त का लड़का है। अरे दोस्त का लड़का मिल गया, आ गया अखबार में छपवा दो, दुनिया को वैसे पता लग जाएगी। अच्छा तो दुनिया को किसी किसी को बुला बुला के दुनिया को ये क्यों नहीं पता लगी? जब उसको लेके घूमता है लोग, मुझे आके कहते हैं तेरा लड़का तो एक लड़की के साथ घूमता है, इसकी बहू घूमेगा तो मतलब बहू है तो लड़की के साथ घूमना नहीं सकता? तो बहू को भी तो, मेरे भाई पहले तो तू जा यार, बहू को भी तो एंजॉय कर। तो अखबार में छपवा दो ना, किसी किसी को बुलाने का क्या मतलब बनता है? अखबार में क्या छपवा दूं? तुम पड़ोसी को बिठाए रखो घर में, काम पड़ता है तो 2 महीने हो गए तुमने इसी बात पे दिमाग खराब कर रखा है मेरा। काम पड़ता है, दिमाग खराब नहीं हो रहा 2 महीने से, जो हम दोनों रोटी भी नहीं खा रहे ढंग से। मेरे भाई बात है, कमा के दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ? क्या कमा के दे रहा है? कमाई का क्या फायदा? तो उड़ा देता है, कट्टू उड़ा देता हूँ मैं उस पे, तुम्हें देता ना हूँ खाने को ना। क्या ना तुम्हारे घर में? अच्छा जब तनख्वाह मेरी पेंशन आती है उससे खर्चा चल रहा है, तू तो देता ही नहीं, तू तो सारा तो लड़की को उड़ा देता है। इन्होंने आज तक मुझे कुछ भी एक रुपए का कुछ भी सामान तक लाके नहीं दिया कभी भी। मैं तुझे अब मैं ससुर हूँ, मेरे से कहिए आपका काम क्यों करूँ? इसे कोई सामान की जरूरत है? ये ससुर से कहेगी पापा जी ये लाके दो, मुझे ना पता, मुझे कोई मतलब ना, जो जिसे कहने पाई मतलब थी ना, जिसके कहने पाई थी वो देगा, जिसके कहने पाई थी वो देगा। कहने पाई थी फेरे तो तेने लिए, तू इसका वो करेगा। मेरी गलती क्या? आप थोड़ा सा मुझसे प्यार से बोलोगे ना? क्या लग रहा है तेरा, ये कौन है? मेरे पापा है वो। पापा है या बाप है? बात तो ऐसे कर रहा जैसे तेरा नौकर हो। दिमाग खराब कर रखा है, इससे पहले मना कर दी कि शादी नहीं करनी मुझे इससे। पता है क्या गलती करी है जीवन में तेरे को बड़ा करके? बड़ा दुनिया नहीं, पैदा करा, पढ़ा लिखा है, बड़ा हो गया मैं। सबसे बड़ी गलती कौन सी है जिन तू इस दुनिया में आया? तो पहले तो रो के मत दिखाया, चे 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 मत कर। कितने साल हो गए ना तेरी शादी को? हाँ हो गए उसको, आज तक वो जगह दे ही नहीं सकता।
मैंने क्या कसूर है, मैंने क्या गलती कर दी है। बुला यहाँ पे, नहीं आएगी वो यहाँ पे, इतनी खाली है, मुझे बुला लिया इन्होंने, मैं आ गया पापा की वजह से। क्या शादी क्यों नहीं कर रहा? अरे बाप ने इसकी साथ करवा दी, हमारी मना करी थी मुझे, इसके हल करना ही नहीं था। नहीं इसकी जिंदगी तेने खराब कर दी, इसकी जिंदगी मैंने क्यों खराब कर दी, मैंने पहले ही मना करी थी मेरे भाई, मैंने पहले ही मना खराब कर दी। रो मत, लोग मुझे कहते हैं यार रो मत, मैंने इसकी जिंदगी का क्या, मैंने शादी से पहले मना कर दी थी, मैं क्या रहना था, मैंने करनी नहीं थी शादी, बच्चा था, ये रोती है मैं देखता हूँ, मेरा दिल कर रहा है, मैंने पहले मना कर दिया टाइम पे, इसने मना करा था शादी नहीं करनी, नहीं फिर इसने लिए मैंने लिए, फिर भी तो इसी ने लिए, जब कहा था मैंने मना कर दिया, डंडा दे दिया था इन्होंने मुझे, ठीक है डंडा दे रहे की इसके साथ फिर क्यों नहीं रह रहा, तो रह ही रहा हूँ मैं तो, कहाँ रह रहा है इसे, रहना तो कमरे में रह रहा है तू, शादी को 3 साल हो गए, कभी इसका हाथ पकड़ा है? मैं क्यों पकड़ू इसका हाथ, कभी रह तो रही है, रह तो रही है, शादी के टाइम भरी तो थी, रहते तो कुत्ते भी हैं, ये कुत्ती है तो रह तो रही है ना, क्या नहीं दे रहा, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, कभी शादी के बाद, शादी के बाद एक बार भर तो दी, चली जाऊँ घर छोड़ के, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना, आपकी घर वाली नहीं है, नहीं है। आपकी माँ किसके साथ रहती थी, आपके पति के साथ, आपके बाप के साथ या फिर किसी और के साथ? बाप के साथ रहती थी। और अगर आपकी माँ किसी और के साथ रहती तो क्यों कैसा रहती? लगता आपको क्यों रहती, वो रहती नहीं तो कल के दिन माँ बनेगी ना, हाँ तो बनेगी जब ना, जब वो तेरे आइए तो किसी और के पास जाएगी प्रेग्नेंट होने के लिए, तो मुझे नहीं करनी ना, जब मेरे को रिश्ता नहीं है, तेरे सामने ये नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगी, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं आएगा, और मुझे शादी करनी, मुझे शादी भी कौन करेगा भैया, कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने कर ली मुझसे, तो जाना करना, मैं करना भी तो नहीं चाहती, मैं इनको छोड़ के कहां चली जाऊं, इतना क्यों डर रही है इससे, इससे क्यों डर रही है, मैं इनको छोड़ के भी कहां चली जाऊं, शादी करी इसने, करी है ना तेरे साथ शादी, इन्होंने तो की, बाहर जाके मुकाला कर रहा है ना, बाहर जाके मुकाला कर रहा है ना लड़की, तो बाहर जाके उन्हें कर रखी है ना, घर से बाहर जाके मुंह कौन मारता है, तू मारता है ना, वो तो नहीं मार रही ना, पहले थी वो मार रहा है ना, शादी तो नहीं करी ना उसके साथ, उससे पूछना एक बार शादी करेगी तेरे साथ, कर लेगी वो, कर लेगी तो अभी क्यों नहीं कर रहा, देना इसको डिवोर्स दे, डिवोर्स के साथ मैं छोड़ूंगी उसे भी नहीं, छोड़ूंगी उसको भी नहीं, जो इनके साथ है उसे भी नहीं छोड़ूंगी मैं, छोड़ेगी तू, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं, एक बात बता, सोच तेरी माँ तेरे बाप के साथ नहीं रहती, अब तेरे को पता है कि तू इसी का बेटा है या फिर किसी और का, हाँ इसी का हूं मेरा, मैं बस पापा जी की वजह से, पापा जी की वजह से मजबूर हूं मैं, तेरा तो तेरे को प्रॉपर्टी में से एक नहीं मिलेगी ना, कोई ना, मैं छोड़ कर चला जाऊंगा, मुझे उसी गर्ल शादी करनी, इस गर्ल रहना ही नहीं है, रहने ना, देखो कैसे जबान चलाता है बाप के सामने, जबान चला रहा, जबान चला, जब रहना नहीं है, मैंने तो पहले ही मना करी थी, आज भी वही बात है मेरी, नहीं रहना, अगर मैं केस भी करूंगी तो दोनों पे करूंगी, बस मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, बस करना किसने रोका, ये आपका बेटा है, औलाद नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ इससे बदतर तो बढ़िया कुत्ते होते हैं, देख रहे हो कैसे बदतर, अगर पापा जी हाँ बोलते तो मैं केस करूंगी, मैं इनकी वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो उम्र हो रखी है, फंसेगा तो वो अंदर जाके चक्की तो वही पीसेगा, इसको क्यों नहीं, मैं सोचता हूं जिंदगी क्यों खराब कर रखी है आपने, खानदान की बेइज्जती तो हमारी की होगी, खानदान की अपनी, इसकी जिंदगी खराब हो रही है, वो नहीं देख रहा खानदान की लगी पड़ी है तेरे को, खानदान पहले मना करी थी ना मैंने, वो साड़ा मना करी थी, तो ये थोड़ी पता था जाके बाहर मुंह मार रहा है 300 से, हमें ये थोड़ी पता था तू बाहर मुंह मारेगा, ऐसे मारेगा नहीं मारेगा, मना नहीं रहना, कैसा इंसान है भाई तू, कुत्ता है क्या, अकल है थोड़ी भी, अकल क्या, क्या अकल है थोड़ी भी, अकल है नहीं रहना इसकी गैल, बात खत्म है, शादी जबरदस्ती हुई यार, मैं जबरदस्ती ना रह सकता किसी गैल भाई, कोई रिश्ता ना बनता नू, मैं ना रह सकता इस गैल, ठीक है बिल्कुल भी नहीं, तेरे पे केस कर देंगे जब खुश रहेगा, जेल जाएगा, करो दोनों कर लो जाके, जेल जाएगा दोनों कर लो जाके, दोनों कर लो जेल जाएगा जब राजी रहेगा, बात ऐसी है, वहाँ भी वही बात रहेगी, जबरदस्ती शादी हुई थी, अरोही थी अरोही थी, बस बात खत्म, वो इस बात को नहीं मानेंगे, फेरे तेने लिए थे जबरदस्ती फेरे दिला दिए क्या, नहीं उस टाइम भी तो बोल सकते थे, उस टाइम भी तो बोल सकते थे मंडप, अभी तुम आज इतना बोल रहे हो, उस टाइम भी तो बोलते थे, वही शादी रुक जाती, फेरे के टाइम आप इतना बोलते, इसकी लाइफ तो खराब नहीं होती, जब शादी क्यों करी, और मेरी भी खराब नहीं होती, इसकी लाइफ करी, छोटा बच्चा था, अब तेरे को बोल रहा है ना, तेरा बाप की मत कर, मत जा उसके साथ मुकाला करने के लिए, साला रात को पहुंच जाता है उसके साथ बिस्तर गरम करने के लिए, उसी को दे देता है, बात कर रहा है, तो क्यों रखा है इसी औलाद के साले को, धक्का मार के घर से निकाल लो ना, अब यही करना पड़ेगा, करना भी खड़ा हो गए, मुझे तो नौकरानी समझ रखा है, बस नौकरानी क्यों समझ रखा है, क्या और नहीं तो क्या कर रहा है, साढ़े इंसान का बच्चा बन जा, बता रहा हूँ तेरे को, दो मिनट में नहीं रहना इसके साथ, नहीं रहना तो अपनी माँ, तू रहेगा नहीं, मैं रखूंगा नहीं तेरे को, ऐसे बैठे साढ़ा साढ़े प्रॉपर्टी में से ना एक हिस्सा नहीं देगा, तो फिर क्यों सामने रखा है,
ठीक है मैं तेरे को नहीं रखना चाहता। आई सुन में मत रखा तलाक केस देगी ये क्यों देगी ये क्यों देगी ये देगा हाँ तो यही देगा हाँ ये देगा जब ये दूसरे दिन रखना चाहता लेगा जाऊंगा काल कागज ठीक है हाँ तो उसको भी लेके आइयो ना पता लग जाएगा जाओ क्या मतलब है तुम्हारा क्यों उससे मतलब क्यों नहीं है उसने तो घर बिगड़वा रखा है सुधर जा ठीक है बस सुधर जा ना सुधर रहा और मेरी बात सुन ले करती हो तो कर दियो कल आ जाऊंगा कागज लेके ठीक है तू भी अपने काम से काम रहेगा तू हो जा चले मार मार तो ना ना कर लिए अरे ना डिवोर्स की तैयारी करवा दी इसकी गल में रहना भी ना इसकी गल ठीक है तू करियो तैयारी हां कर लूंगा मैं कल कागज लेके आ जाऊंगा अरे तेरी कंप्लेंट होती हो ना तो कर दियो जा पता लगेगा देख लेना लगेगा पता शर्म नहीं आती मेरी जिंदगी बर्बाद किया ना तुम लोगों की भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी देखना नहीं जीने दूंगी तो ठीक है तेरी गल नहीं रहना और नहीं रहना तेरे से जो होता वो कर दियो कल कागज भिजवा दूंगा कर दियो साइन ठीक है चल आ जा यहां से चल मिलूंगी कोर्ट में चल जा सर जूता उड़ा के सर पे मारूंगा तेरे अरे जाना ये औलाद है कोई सैली ऐसी औलाद होती है औलाद है तेरी उस रात अगर ये गलती ना करते ना ये वाली औलाद ना होती तुम्हारी क्या बता की तस्वीर बर्बाद कर रखी है ना उसी तो ये क्या चिंता ना करेंगे चिंता मत कर मैं इनकी वजह से तो मजबूर हूँ मैं क्या करूँ इनको भी कैसे छोड़ दूँ मैं कहाँ छोड़ के चली जाऊँ इनको कोई देखने वाला भी नहीं है तू चिंता मत कर तू तेरे लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा चिंता मत कर रो मत रो मत रोने से क्या होगा केस कर देना बेटे तू तो मुझे भी रुला देती है क्या करूं चुप हो जा बेटे क्या भाई क्या बेटा आपका यार अंकल मैंने तो पहले ही आपको कहा था मैंने तो आपको पहले ही कहा था वो कहना नहीं मानता उल्टा सीधा बोलता है उस लड़की के प्यार में अंधा हो रहा है अंधा पता नहीं उसने क्या घुट्टी पिला रखी है इनकी बातों में पहले इतना नहीं लड़ते थे पापा जी को जब आप नहीं देते थे इनकी हाँ में बोलते थे क्या गलत है मुझे खुद नहीं पता वो उसके दिमाग में ना एक भूत सवार सा लग रहा था कि अगर उसके साथ नहीं रहना ये मेरे लिए दुनिया में है या फिर नहीं है एक होता है ना किसी किसी की किस्मत ख़राब होती है तो इसकी किस्मत ख़राब है ना तो इसके भाई इसको पूछते हैं ना तो माँ बाप इस दुनिया में है ये पागलों की तरह क्या अपने ससुर की सेवा में लगी मैं इसका साथ दूंगा कोई बात नहीं ये मेरी बेटी के बराबर है मैं इसका साथ दूंगा आई सुन में अब उस साड़े को एक फुटी कोडिंग देने का मैं बताओ